FCC stand for Fine Collecting College. गाड़ी में डांसिंग क्लास मतलब वो देखते ही नहीं है कि कहाँ पे है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। बड़े चुम्मे लोग कितने हैं सबके सामने, किस कर ले। मेरा नाम है अब्दुल वहाब और भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को बजाएं टन। Which is the first word comes to your mind when you think about FC? Another home. My second home. Liberal arts. And luck. Diversity of cultures. Hostel. Mods. Campus life. Diversity. CC. Uski abbreviation hai jo aati hai ke it's fine collecting college. मेरा घर वो भी पहला सेकंड होम यार सेकंड होम। बेस्ट थिंग अबाउट योर एफसी लिबरल आर्ट्स इट्स मेन ग्राउंड यहां पर आपको सब कुछ मिलता है। मेन ग्राउंड डाइवर्सिटी एफसी में बहुत डाइवर्सिटी है और मुझे लोग अच्छे लगते हैं, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से, तो डाइवर्सिटी मुझे अच्छी लगती है। इसके अंदर जो हमारे पास सर डबल डिग्री करने की ऑप्शन मिल जाती है, हम अपनी मर्जी से ड्यूल डिग्री करते हैं। अपने स्टूडेंट्स के लिए मतलब उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर जाके सोचता है, जिस तरह के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। वर्क स्टडी प्रोग्राम मेरा नहीं ख्याल किसी और यूनिवर्सिटी में है, लेकिन FCC ये अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे ताकि वो फाइनेंशियल इश्यूज़ जिनके हैं, तो ये एक बेस्ट थिंग है जो FCC में अभी तक मिली। मेंबर किस तरह काफ़ी कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे बस को छोड़े हैं ऑफ कोर्स फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। जी जी क्यों नहीं, यहां की ओपननेस कितनी ओपननेस है। ओपननेस तो हमने आती देख ली कितनी ओपननेस है। अयाशी पार्टी सीन ऑन है। पार्टी सीन कितनी पार्टी होती है यहां? हम तो बहुत ही करते हैं, हम तो करनी पड़ती है पार्टी, रोज पार्टी। कोई कंजर्वेटिव है यहाँ पे, कोई तंग तो नहीं करते बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह? कोई नहीं, ओपन सीन, बहुत ओपन सीन है यहाँ पे। आप कहीं भी चले जाओ ओपन सीन मिलेगा। अच्छा, उसके बाद मर्जी बिल्डिंग में चले जाओ। यहाँ की बिल्डिंग्स प्यारी हैं, ग्राउंड में बहुत रौनक होती है और सर्दियों में तो खीर ही मजा आ जाता है ना। Is the worst thing about your FC? I believe that favoritism that teachers do. Teachers, कुछ teachers की grading, sorry वो teachers की grading हो गया। Mathematics में teacher हैं, FC में जितने teacher हैं उनसब का grade A से start होता है। Math की teacher उनका grade F से start होता है। अच्छा, तो F से बच्चों को evaluate करती हैं, बच्चा ऐसा ऐसा ऊपर आता है। कुछ teachers like favoritism करते हैं। Boys, fines, proctor. उनके साथ गलत हुआ है। अच्छा। लेकिन ये इंस्टीट्यूट के लिए गलत चीज़ है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आई थिंक कहीं और चले जाओ, आप लोग यहाँ पे ना करो, मतलब कोई जगह देख के करना चाहिए। यहाँ इंस्टीट्यूट में ना करें, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के बच्चे होते हैं। अभी नए बच्चे भी आए हुए होते हैं, वो स्कूल से कॉलेज से आए हुए होते हैं, तो उनको कैसा माहौल मिला हुआ होता है। मुझे ज्यादा कुछ बुरा नहीं लगता है, मेरे लिए सब नॉर्मल है। Yes. मतलब कौन से, कोबरा या बैकबाइटर्स? पे कुछ होंगे, पीछे जाके कुछ और हो जाएगा। फनीएस्ट थिंग अबाउट योर एफसी? फनीएस्ट थिंग यार, हर रोज मेरे साथ फनी ही होता है। मतलब यार कोई बंदी यार अभी तक सेट नहीं हुई मेरे से। कोई एक
वही बात के बड़े बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए एफ सी के बारे में. फनीएस्ट थिंग, हाँ हरासमेंट. यहाँ पे हरासमेंट तो बहुत एक सीरियस इशू है, लेकिन यहाँ पे आजकल की लड़कियों ने उसको और लड़कों ने भी कुछ ने इतना उसको मजाक में बना लिया कि जो अगर देख भी रहा है तो हरासमेंट, मतलब अगर लड़का देख रहा है लड़की को कुछ भी नहीं कहा, छोटी छोटी बात कर लो, लाइक वो हरासमेंट का ठोक बोल देना. और अभी 5 बजे के बाद जब सब चले जाएंगे डॉक्टर वगैरह तो फिर आपको इधर धुओं की सजाएं नजर आएंगी. कितने बजे? 2 बजे के बाद कभी कभी 4 से 5 और ट्यूसडे और थर्सडे. थर्सडे ठीक हो गया. अच्छा कोना कोना में वैसे होता क्या वो खुद ही देख लेते हैं. हाँ जब आप एफसी आओगे खुद ही देख लेंगे. यहाँ की लड़ाइयाँ मतलब कैसी होती हैं? लड़ाइयाँ रूमर्स होते हैं बस. अच्छा मतलब वो फेसबुक मुजाहिदीन वाली लड़ाई है कि मतलब पोस्ट पे ही? जब जब से मैं आई हूँ एफसी में मैंने तो एक ही लड़ाई देखी थी और वो भी दूर से. जब मैं देखने गई आगे तो ख़त्म हो गई थी. ऐसे ख़त्म हुई है, ऐसे ऐसे शुरू हो गए, ऐसे ख़त्म हुई है. Don't go away. Breakups. पहले कपल्स होते हैं, कपल्स होते हैं, फिर वो शादी किसी और से कर लेते हैं बताए बगैर ना. हम लोगों ने बहुत ऐसे मतलब टाइम पास बहुत ज्यादा, टाइम पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है. और शादी किसी और से होती है, कपल कोई और होता है, लड़के को पता नहीं होता उसकी शादी हो गई है. अच्छा. और फिर वो बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं. मतलब ये चीज नहीं, डिच कौन ज्यादा करवाते हैं, गर्ल्स के लड़कियाँ? ऐसी में मतलब लड़कियाँ डिच ज्यादा करवाते हैं. कैट फाइट भी बहुत अच्छी होती हैं. मतलब कैट फाइट लड़कियां लड़की जो हैं आपस में जेलसी फैक्टर बहुत है, बहुत ज्यादा है. एक्सपोजिंग ईच अदर इन एवरीथिंग, डिसरिस्पेक्टफुल. आई एम टेलिंग यू दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल. सी में बड़े लल्ली लोग हैं. लल्ली लोग हैं, लल्ली मीन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे यार. लल्ली लल्ली होता है वो, जिन जो सुनेंगे ना उनको पता चल जाएगा लल्ली. लंदन ब्रिज उसकी क्या वजह, कोई कोई रीजन होगा भाई? वहाँ पे लोग उल्टे पुल्टे नजर आते हैं ना, लेटे पड़े होते हैं वहाँ पे, कोई डिफरेंट एंगल्स के साथ, एंगल से सारी सी हालत खराब हुई होगी. नहीं एलियंस नजर आते हैं आपको, वो एफसी का पार्ट नहीं लगते हैं. सुन लोग एक्सप्लेन करो ना, मतलब कपल्स या कोई ग्रुप या कपल्स और ग्रुप. याद है अभी सीजन मार्च शुरू हुआ ना स्प्रिंग, ये मार्च सीजन ऐसे हाथों में हाथ डाल के निकलेंगे वहाँ बाहर घूम रहे होंगे बैठ के. अच्छा स्प्रिंग इंजॉय कर रहे हैं? स्प्रिंग ऐसे वैसे इंजॉय कर रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, बाकी को फील करा रहे हैं कि आप बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं. ये जब ग्राउंड में ऊंची ऊंची आवाजें लग रही होती है प्रॉक्टर प्रॉक्टर और सारे भाग रहे होते हैं इधर. स्कोप ऑफ टीसी क्या है? पे ए ग्रेड पक्का. स्कोप ऑफ टीसी हेवी 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 है. आप प्रेजिडेंट बन जाओगे टीसी? और ठीक है, डिपेंड करता है टीचर पे. बहुत हाई स्कोप है, बड़े चौमे लोग करते हैं टीसियां. मतलब अब टीचर्स को इतना जलील करते हैं कि ऑब्वियसली टीचर को नजर आ रहा होता है कि मतलब ग्रेड से क्यों करता, लेकिन इतना नहीं है. अपने हैवी टीसी की हुई है तो आप किसी भी इवेंट में बगैर किसी पास के बगैर किसी टिकट के एंटर हो सकते हैं. लेवल ऑफ पुंडी एक्सट्रीम लेवल है, कोई लेवल नहीं है. 100% हम 110% इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी लड़के लड़कियों दोनों की साइड से. ये क्या सवाल पूछ रही है? 10 में से 9 दूंगी. नहीं है, पहले होते थे, अब नहीं है. अब नहीं है यार, एंड है यार. हाय फॉर गाइस इट्स बहुत ज्यादा, गर्ल्स के लिए नॉर्मल है. यार मैं खुद पुंडी करती हूं. क्या कहें, लड़कियां करती हैं लड़के भी करते हैं दोनों? लड़कियों ने लड़कों को काट दिया. इन्फिनिट लड़कियां भी करती हैं यहाँ पे पूंजी. हर कोई करता है, हर कोई करता है. एफसी में बर्गर ज्यादा है या चर्सी ज्यादा? इस साल बर्गर ज्यादा हो गए, पहले सुटे थे वो जो ओए लेवल से आए हैं ना बच्चे, बहुत ज्यादा. यार यहाँ पे ना बर्गर बहुत है, चर्सी ज्यादा. मिक्स यहाँ बर्गर चर्सी दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्रॉस है यहाँ पे. बहुत डाइवर्सिटी ऑफ है लोग, आपको चर्सी भी मिल जाएगी, पेंडू से पेंडू भी मिल जाएगा, और यहाँ बर्गर से बर्गर भी मिल जाएगा. बर्गर बच्चे, यू नो बर्गर बच्चे भी हैं और इसके साथ साथ जो है वो दूसरे बॉयज भी हैं. बॉयज यू नो बॉय, या आई थिंक इट्स बोथ. जाज 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 बर्गर एक ही है ये साथ. मैं जा रहा हूँ. अरे दो मिनट मिक्स है,
बर्गर थोड़ा यो हो नहीं नहीं हाँ चेस्टर बहुत ज़्यादा छुट्टा खुले आम बहुत ज़्यादा और प्रॉक्टर्स चर्सियों को पकड़ते नहीं और बाकी सारे लोगों को ना ऐसे वो हाँ जो सो रहे होंगे उनको पकड़ लेंगे कि भाई उठ जाए सोना नहीं इस जगह पे अच्छा पेंडा यूनियन कितने परसेंटेज है पेंडा यूनियन बहुत कम है मतलब पेंडा यूनियन बहुत ज़्यादा सारा पंजाब उठा के ख्याल है 40-60 के चांसेस मैं खुद पेंडा हूं यार फिर केडी गल करना है मैं बहुत बड़ा पेंडा सख्त पेंडा प्योर पेंडा जनवा अच्छा नहीं रेशियो कितनी है हर तरह के लोग हैं एफसी में अच्छा 20-30% है बाकी यूनिवर्सिटी से कम है और नहीं 60 कम है बाकी यूनिवर्सिटी से कम है नहीं ओपननेस कितनी है यहां पे रिलेशनशिप स्टेटस और लाइक दैट अच्छा लिबरल है लाइक वेरी या लाइक आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम माहौल यहाँ का अच्छा है काफी अच्छा है मतलब ये पीछे पीछे देखिए कितने कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लिमिट्स हैं अपनी लिमिट्स लिमिट्स का हर चीज को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए जब जब तक आप अपनी लिमिट्स में हो तब तक तो ठीक है चीज अच्छी लिमिट्स में लगती है ठीक है जो मर्जी खुले आओ खुला सीन है खुला मतलब कोई फेवरेट जगह हो यहाँ पे कपल्स की वो पीछे है इंटर वाली साइड पे इंटर वाली साइड और पार्किंग में भी गाड़ी में डांसिंग कार्स डांसिंग बहुत ज्यादा वो भी एक नेक्स्ट लेवल है हर बंदा एक दूसरे से हेलो हाय और ना जान ना पहचान आगे जो फिर भी डाली और फ्रेंडशिप वो कोई मसला नहीं अभी आते जाते दो तीन ऐसी कपल आपको नजर आ जाएंगे पहले सेमेस्टर में ही बन जाते अच्छा चलते कितने पहले सेमेस्टर में बनते हैं चौथे में टूट जाते हैं पांचवे फिर नया बनता है आठवें में टूट जाता अच्छा तो ये सीन कुछ लोगों के तो पे शादी तो अम्मी अबू ने अपनी मर्जी फूफो का बेटा या फूफो खाला की बेटा खाला की बेटी यही शादी भी हो जाती है हां कुछ की हो भी जाती है लेकिन रेड केस लेकिन रेड केस ओपन सीन बहुत ओपन सीन है यहां पे आपकी कोई इजाजत है मतलब लाइक स्टेइंग इन योर लिमिट्स मतलब जिधर वो ही ना लाइक लगता है इट्स लाइक अच्छा डोंट डू एनीथिंग नास्टी एंड यू आर गुड लाइक क्या क्या मतलब लेवल ऑफ ओपननेस सबके सामने किस कर ले सब व्हाट यू टॉकिंग अबाउट उधर नहीं होता ये ताकि यहां बड़ा ओपन सीन है मतलब आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है एफसी में जिधर निगाह डालो उधर ही लगा एक हम ही सिंगल है अच्छा जिधर निकाह डालो उधर ही लगा एक हम ही सिंगल है एक हम ही सिंगल है एक हम ही सिंगल है लाओ जी गौरी आया फिर मैंने एफसी से कोई ऐसी चीज जो आपको एफसी ने दी हो फैमिली 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 दी है कि जाहिर सी बात है जो फिलहाल मेरे यहाँ पे दोस्त है वो ऐसी है कि जैसी फैमिली है ठीक हो डिग्री ऑफ ओपननेस कितनी है माहौल कैसा है माहौल ठीक है बस मतलब बहुत बुरा भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है बस ठीक है नॉर्मल है मतलब हम जैसे होंगे तो ठीक है आप खुद करे हाँ कुछ जो सिंगल्स हैं वो सिर्फ देख के बेचारे अंदर ही अंदर रोते हैं कि यार ये बैठे हैं एक हमें नहीं मिल रही इजी सीन है यार मतलब मैं एक बात कहूँ जितना आप चीज को छुप के करते हो ना छुपा के आप उतने ही प्रोमिनेंट होते हो आपने एफसी से क्या सीखा पूंडी टीसी और सीख रहे हैं अभी लर्निंग फेज में अकाउंटेबिलिटी सीखी है जलील होना दोस्त बनाना सीखा है मैंने प्यार बहुत बांटते हैं यहाँ पे फ्रेम फ्रेम में देखें पीछे देखें जिधर देखें प्यार प्यार वो यहाँ बैठे ही प्यार है मैं फ्रेंच है वहाँ कुछ कॉन्फिडेंस एंड बिकॉज़ यहाँ पे एनवायरनमेंट ही ऐसी है ठीक है हर जगह से लोग आते हैं तो यू नो इंटरेक्शन जब आप करते हो वो तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए